जेई मेन 2020 में 8 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एक पेपर है, उसमें क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या है, साइक्लोप्रोपिनोन बनाया गया है, 2-methyl साइक्लोप्रोपिनोन, और उसकी रिएक्शन ये करवा रहे हैं एच प्लस की प्रेजेंस में, और कहते हैं कि प्रोडक्ट क्या है ये बता दो। ऑप्शन में क्या क्या है, डबल बॉन्ड ओ की जगह इन्होंने दो ओ एच लगाए, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, अंदर वाले डबल बॉन्ड को हटाकर और सी एस थ्री के साथ ओ एच लगाया। तीसरे ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, डबल बॉन्ड ओ को ओ एच किया और यहाँ पर एक प्लस चार्ज लगाया। और आखिरी ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है कि अंदर वाले डबल बॉन्ड को हटाकर लेफ्ट में एक ओ एच लगवाया सी एस थ्री के अपोजिट। ठीक है, हम देखते हैं जरा एक्चुअली क्या होता है। अगर मान लो हमने ले लिया साइक्लोप्रोपिनोन, यहाँ मिथाइल लगा हुआ, इस मिथाइल का इस पूरे रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अगर एच प्लस रिएक्शन करवाएं तो सबसे पहला काम ये होगा कि ये यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटोनेशन के बाद ये बन जाएगा ओ एच प्लस, राइट, और ये एज इट इज है। इस ओ एच प्लस में माइनस एम इफेक्ट है, तो माइनस एम के चलते ये पाई बॉन्ड को अपने ऊपर ले जाएगा। अच्छा, पाई बॉन्ड को ऊपर ले जाने से ये सिंगल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा और एक प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और ये सिचुएशन जो है ये एरोमेटिक सिचुएशन है, तो एरोमेटिक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। दिस इज स्टेबल ऑल्सो, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3। नोट करें,